We are a country of hero worshipping. We are deprived of so many things. Plus, we have very low confidence and very low self-esteem. हमें heroes की जरूरत पड़ती है. उसका फायदा हर जगह होता है. लेकिन हमारी फिल्मों में larger than life hero क्यों होता है? हमारी country अकेली country है जहाँ पे कोई भी actor वो superhero का role नहीं करेगा जिसका जो उसका चेहरा mask में हो. सबके mask कितने होते हैं कि चेहरा दिखाई दे भाई मैं कौन हूँ? तुम्हारा क्या Iron Man और किसकी बात करता? हमारे शाहरुख सलमान ही है superhero. तो वो हिंदुस्तान में hero worshipping ज्यादा है. आपका जो एक फैंडम बना हुआ है जो आपके मतलब एकदम लोग आपका एक परसेप्शन बना लेते हैं. एक असिस्टेंट आया था मेरे पास, मैं ऑफिस में रोज चक्कर काटे, सब ऑफिस वाले भी पहचान, सर मिल लो बेचारे से एक बार, मिलके मैं करूंगा क्या? बोलता नहीं इसको काम करना. मैं उसको पूछा मैं क्या करना है, बोलता सर कुछ भी करूंगा, मैं झाड़ू मार लूंगा. मैं वो पैशन जो ना सब लोग बात करते, बहुत लोग बात करते इस पैशन से, बट एक्चुअली जगह नहीं है. शूटिंग के टाइम हम लोकेशन में घुसते हैं ना, उतने ही लोग चाहिए होते हैं. अदरवाइज इट स्टार्ट्स इंटरफेयरिंग इन द प्रोसेस ऑफ फिल्म मेकिंग. सर आप समझ नहीं रहे हो, मैं भी आपकी तरह मेंटली डिस्टर्ब्ड हूं, साइको. तो लोग जो है ना आपको एक एक बॉक्स में डाल के रखे हुए. तो जो फैंडम है ना, फैंस, मैं बोलता हूँ फैंस से मुझे बहुत डर लगता है. और जितने ज्यादा फैंस से मैं मिलता हूँ और जितने ज्यादा लोग मेरे साथ सेल्फी खिंचाते हैं, उतने तो मेरे टिकट नहीं बिकते. तो अगर वो दोनों चीजें प्रोपोर्शनेट हो जाए ना, तो मुझे समझ में आएगा फैंडम. सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, सच अ प्लेजर. बहुत वक्त से इंतजार था मेरे को कि कब आपके साथ बैठूंगा और थोड़ी फिल्म विल्म वगैरह में बात करेंगे. थैंक यू सो मच. अरे हमने जूम पे बात की है. जूम पे बात करी है, पर वही जूम का मजा नहीं था ना. लेकिन लॉकडाउन के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे था वो. और मतलब आपकी डीवीडी लाइब्रेरी देखने का तो मतलब हर सिनेफाइल का एक ख्वाब होता ही है. हाँ, मेरी आधी फिल्में तो अभी है नहीं यहाँ पे. पर आपको कितना टाइम हो गया वैसे कलेक्ट करते हुए? पहला डीवीडी मैंने मुझे गिफ्ट किया था, मेरा पहला डीवीडी प्लेयर मुझे एज अ फीस मिली थी विधु विनोद चोपड़ा से. और पहला डीवीडी मुझे, पहले दो चार डीवीडीज मुझे गिफ्ट किए थे दीपा मेहता ने, जब मैं वाटर पे काम कर रहा था पहले शेड्यूल में, जिसमें थे टैक्सी ड्राइवर, वाइल्ड पंच और दो और फिल्म, मैंने याद नहीं आ रहा, चार डीवीडीज गिफ्ट किए थे. और मतलब आपको फिर उसको याद हो गया कि यार, उसके बाद सिलसिला लगा रहा. लेकिन आपको मतलब ऑब्वियसली मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो फिल्मों से प्यार करते हैं, पर बहुत ही कम लोग हैं जो कि आज के टाइम में फिजिकल मीडिया कलेक्ट कर रहे हैं, स्पेशली इंडिया में. मैं तो आजकल के टाइम पे खासतौर पे कलेक्ट कर रहा हूँ. अगर आप देखोगे ध्यान से, जो साइलेंट फिल्म्स है ना उस तरफ है, वो खुली भी नहीं है. जो नई फिल्में उधर देखेंगे खुली भी नहीं है, सिर्फ बिकॉज मुझे बहुत डर है कि ये मिलेंगे नहीं. क्योंकि जैसे ही प्लेटफॉर्म आ रहा है, बिकॉज अभी सुनने में आ रहा है कि डिज्नी जो है फिजिकल मीडिया बनाना बंद कर देगा. तो सब लोग स्ट्रीमिंग, अब स्ट्रीमिंग में एल्गोरिथम आ जाता है, फिर आप फिल्में कहाँ ढूंढोगे? तो आपको फिल्में ढूंढती है. तो मैं सबसे पहले पुरानी और रीजनल फिल्में और फॉरेन लैंग्वेज फिल्में इकट्ठी करूँगा. हॉलीवुड तो मिल जाएगा तुमको, क्योंकि इंग्लिश इज यूनिवर्सल लैंग्वेज, किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पर हॉलीवुड फिल्में मिल ही जाती हैं. लेकिन बहुत सारी फिल्में आपको नहीं मिलती. तो मैं पुरानी फिल्में और बहुत सारी ऐसी फिल्में जो भी फिल्में रिस्टोर हो रही हूँ, मैं इकट्ठा करता जा रहा हूँ. कब खोलूंगा और कब देखूंगा मुझे मालूम, मैं देखी हुई फिल्में, मोस्टली मेरी देखी हुई फिल्में. बट ये जनरली मैं दिखाता हूँ स्टूडेंट्स को, पढ़ाता हूँ, तो कई बार मिलती नहीं फिल्में. आपको फिल्म रिस्टोरेशन के बारे में क्या ओपिनियन है? मतलब मेरा बहुत स्ट्रांग, मैं बोलोनिया में जो फिल्म फेस्टिवल है, इज वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म फेस्टिवल्स इन द वर्ल्ड. मार्टिन स्कॉर्सेज़ी का फिल्म फाउंडेशन है, जो यहाँ पे शिवेंद्र सिंह डूंगरपुर ने फिल्म हेरिटेज शुरू किया है. And he's, it's because of him that you get to see a lot of films. जैसे मैंने अभी थम्पू देखी है, अरविंदन की फिल्म. तो अगर शिवेंद्र नहीं होता तो फिल्में देखने को नहीं मिलती. उसने, उसके पास जो कुछ था सब लगा दिया. मेरे पास भी जो कैमरा पड़ा था, जो पुरानी चीज़ें, मैंने भी सब उसको दे दिया. He is actually creating a museum and heritage. So now we need people like that. And मैंने पूरा रिस्टोरेशन का प्रोसेस देखा, इट्स वेरी फाइन प्रोसेस, बहुत टाइम लगता है. तो I think it's a great thing. And the best film festival is like, if you unseen films, unheard of films, वो आपको बोलोनिया फिल्म फेस्टिवल में देखने को मिलती है. मेरे पास एक्सटेसी है, उसका ब्लू रे जो अभी तक ऑफिशियली भी नहीं बाहर आया, मैं बोलोनिया से लेके आया था. तो ऐसी ऐसी फिल्में हैं, साइलेंट मूवीज, तो वो मैं दिखाता हूँ कई बार लोगों को. क्योंकि जब कंप्लेन करते हैं ना कि कैसे होगा, तो आप कुछ पुरानी फिल्में दिखाते, बोले ये तब किया था जब कैमरा हिलाने के लिए 10 लोग लगते थे, एक लाइट मूव करने के लिए इतने लोग लगते थे. जब ये लोग तब कर सकते थे ना, तो आज तो कंप्लेन मत करो, क्योंकि आज 4K तुम्हारे मोबाइल फोन पे. तो मैं कई बार इसलिए दिखाता हूँ कि लाइक इट्स जस्ट समटाइम्स
generally because films existed before the film schools existed, came in. आपका फिल्म जो रिस्टोर्ड फिल्म्स हैं क्लासिक फिल्म्स हैं मतलब हम लोग यूएस में देखते हैं इंटरनेशनल सिनेमा में देखते हैं क्राइटेरियन जैसी कंपनीज आ गई हैं जिन्होंने ये फॉर्मूला क्रैक कर लिया समहाउ कि दे हैव क्रिएटेड क्राइटेरियन मूवी आर द प्लेटफॉर्म्स जहां पे आपको वो फिल्में देखने को मिलती हैं जो एक्चुअली ऑब्स्क्योर हो जाती हैं फेस्टिवल्स के बाद या रन के बाद वो इन फिल्मों को जिंदा रखते हैं मूवी है क्राइटेरियन यूएस में उनका चैनल है मैं को तो खैर यहां पे सारे एक्सेस मिल जाते हैं तो मैं यहां देख लेता हूं बट जनरली आई टेल एवरीवन बॉस देखो कैसे कर सकते हैं इंडिया में हम लोग ये वाला कल्चर एनकरेज कैसे कर सकते हैं आपको लगता है जरूरत है उस चीज की जरूरत बहुत ज्यादा है इंडिया में तो बहुत सारी चीजों की जरूरत है लेकिन बहुत फॉर हमारे यहाँ डिसर्निंग ऑडियंस है नहीं जैसे आज आप देखो हिंदी सिनेमा जिस तरह से जा रहा है तो कोई भी जा रहा है और सेम टाइम मलयालम सिनेमा इज नॉट जस्ट चर्निंग आउट गुड फिल्म इज चर्निंग आउट हिट्स आफ्टर हिट्स बिकॉज द ऑडियंस इज वेरी डिसर्निंग इट्स अ वेरी एजुकेटेड फिल्म लिटरेट ऑडियंस और जहाँ पे भी फिल्म क्लब का कल्चर रहा एक जमाने में आप चले जाओ छोटे छोटे गाँव में बंदे मिलेंगे का नाम गोडाडो फेलिनी है आई एम सेइंग जनरली वो केरला में तो सिनेमा भी काफी अंदर डीप रूटेड है लोगों के अंदर और ये फर्क कहाँ पे आया आपके हिसाब से मतलब हमारे यहाँ तो था हमारे यहाँ तो हीरो वर्शिप है हमारे तो एक तो ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है ना तो कितने सारे लोगों के पास है ही नहीं हमारे पास सिनेमा कितने हैं आई एम सीइंग कंपेयर टू चाइना व्हिच इज नाउ वी हैव ओवरटेकन चाइना इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन बट इन टर्म्स ऑफ सिनेमा वी आर नॉट इवन लाइक 2-5% ऑफ द नंबर ऑफ सिनेमाज इन चाइना इंडिया में 15,000 सिनेमाज 15,000 से 20,000 सिनेमाज है बस पर सर वो जो 15,000 से 20,000 सिनेमाज हैं वो भी कहाँ सफिशिएंट बिजनेस कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं बिजनेस बिकॉज अफोर्डेबल नहीं है सीखा होता है बाहर जो है आप जाते हो अगर आप इकलौती ऑडियंस हो तो भी फिल्म चलती है टाइम के हिसाब से यहाँ पे एक आदमी ने टिकट खरीदा तो फिल्म शो कैंसिल हो जाते कई बार पहले होते थे अभी मालूम नहीं होते कि नहीं होते अब भी होते हैं अब भी होते हैं तो शो कैंसिल कर देते हैं बिकॉज उनको लगता है कि एसी का खर्चा प्रोजेक्शन का खर्चा इसका खर्चा कहाँ से भरेगा तो यहाँ पे सारा खर्चा भरते हैं फूड एंड बेवरेज से पॉपकॉर्न से तो विच इज वाई यू सी दैट वाई देर अ सीलिंग फॉर टिकट प्राइसेस इन तेलुगु आपकी कितनी भी बड़ी फिल्म क्यों ना हो अगर आपकी लग्जरी सीट है तो उसका प्राइस 250 से ऊपर नहीं जा सकता 180-150 से ऊपर पर आपका टिकट प्राइसिंग ही नहीं कर सकते डजंट मैटर आपने आरआरआर बनाई हो या आपने एक इंडिपेंडेंट छोटी सी फिल्म बनाई हो टिकट प्राइसिंग का सीलिंग है फिक्स्ड है वहाँ हम लोग बहुत फालतू खर्चा करते हैं जो करेक्शन हो रहा है अभी इंडस्ट्री इज नाउ राइट नाउ गोइंग थ्रू अ करेक्शन बिकॉज यहाँ पे बहुत फालतू खर्चा होता है जो 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 समहाउ वहाँ पे नहीं होता है वहाँ पे फिल्मों के ट्रेलर मार्केटिंग सब बराबर होता है छोटी फिल्म बड़ी फिल्म यहाँ पे जिस आपके कैपेसिटी ज़्यादा है तो आप ज़्यादा मार्केटिंग करते हो आप ज़्यादा विजिबल हो जाते हो तो छोटी फिल्म पे प्रेशर डालता है कि वो भी उतना विजिबल हो जो छोटी फिल्म के पास उतना बजट नहीं होता उतना मार्केटिंग बजट नहीं होता कि वो मैच कर सके एक बड़ी फिल्म के साथ तो वो मर जाती है बट साउथ में ऐसा है नहीं साउथ में वो सिस्टम में इक्वालिटी है तो चाहे वो मम्मूटी मोहनलाल की फिल्म हो चाहे एक न्यू कमर की फिल्म हो उनको बराबर विजिबिलिटी मिलती है और फिर ऑडियंस भी वैसे ही वर्क करती है हिंदी सिनेमा में वो नहीं है आपने मम्मूटी जी का नाम लिया मतलब मतलब मेरे को लगता है कि उनसे बड़ा कोई एग्जांपल नहीं है आज के टाइम में मतलब ही इज द बिगेस्ट सुपरस्टार मतलब आई वुड बिगेस्ट सुपरस्टार वाला तो टर्म मेरे को समझ में नहीं आता मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता मैं तो कॉन्सेप्ट में ही बिलीव नहीं करता बट आई बिलीव दैट मम्मूटी एज एन एक्टर एट दिस स्टेज ऑफ हिज करियर इज टेकिंग सो मेनी चांसेस उन्होंने एक तरफ ब्रह्मा युगम किया टू प्ले द डेविल दूसरी दी अदर फिल्म व्हाट्स इज नन पगल कातल कातल द कोर हां कातल द कोर रिलीजो के साथ जो उन्होंने फिल्म की ही इज कांस्टेंटली टेकिंग चांसेस ही बिलीव्स इन अ फिल्म मेकर एंड गोज अहेड विद हिम यहाँ पे क्या होता है कि आप किसी स्टार के पास हो तो ही वॉन्ट्स टू मेक श्योर इट्स अ हिट फिल्म बनने से पहले भाई हिट की गारंटी तो हसलिंग करनी पड़ती है तो वह फिल्म की स्क्रिप्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप कितना कन्विंस कर सकते हो कि हिट होगी और वो फिल्म जो सामने आप दे रहे हो उस पर नहीं देखते वो आपकी पिछली फिल्म देखते हैं चली थी कि नहीं चली थी
So there's a massive difference here between Hindi and South. South means you made a good film, even if it's a small film. An actor will come and want to work with you. Yeah. अभी मैं पीछे जो इस साल के ऑस्कर्स थे उसमें अमेरिकन फिक्शन का डायरेक्टर था उसने अपनी स्पीच में बड़ी इंटरेस्टिंग मतलब एक वैसे बहुत ऑब्वियस बात थी पर उसके मतलब कितनी लॉजिकल बात है कि मतलब आप 1,000 करोड़ की एक फिल्म बना रहे हो उसकी जगह आप 10 करोड़ की 100 फिल्में बना सकते हो नहीं और उसमें बहुत फर्क भी होता है क्या होता है ना कि फिल्म इंडस्ट्री की हेल्थ ना बहुत इकोनॉमिक्स पे भी डिपेंड करती है जब एक फिल्म बहुत ज्यादा पैसे कमा लेती है ना तो पूरी इंडस्ट्री क्रिएटिविटी गिर जाती है ये मेरा मानना है ये मैंने अक्सर देखा है कि सक्सेस डिस्ट्रॉयज मोर देन इट ब्रीड्स जैसे मैं जब नागराज मेरा दोस्त है उसने सैराट बनाई थी और सैराट ने 100 करोड़ कमाया मैं कहा मराठी सिनेमा खत्म क्योंकि अब कोई फिल्म नहीं बनाएगा लोग अपनी कहानियां नहीं बोलेंगे हम लोग 100 करोड़ कमाना चाहेंगे तो जैसे हमारी हिंदी फिल्म के साथ प्रॉब्लम क्या है अब हिंदी फिल्म जो है वो 500 और 800 करोड़ कमाना चाहती है वो फिल्म नहीं बनाना चाहता कोई वो 500 800 करोड़ कमाने के लिए आपको सबसे पहले तो पिक्चर डम डाउन करनी पड़ती है फिर आप स्टोरी सैक्रिफाइस करते हो आप सब कुछ सैक्रिफाइस करते हो तो और क्या है कि ऐसा नहीं कि किसी के अंदर से ओरिजिनली आ रही हो वो सब जो है फॉर्मूला फॉलो करते हैं फिर वो कॉपी करते हैं अभी धीरे धीरे सब ये पैन इंडिया है अभी सब इमिटेट करेंगे अगर आप 10 पैन इंडिया फिल्म एक साथ बैठ के देख लोगे तो आपको सब एक जैसी लगेंगे तो अभी वो फॉर्मूला होता जाता है तो उससे इंडस्ट्री की हेल्थ को बेनिफिट नहीं मिलता उसमें क्या मास में चीजें फ्लॉप होती है फिर तो एक चली दो चली तीन चली चार चली उसके बाद सब पागल हो जाते हैं उसके बाद सब गिरना चालू होता है तो जैसे उठता है वैसे ही गिरता भी है और ये मैंने खुद देखा मैं तो अपनी कंपनी में देखा है कैसे हम उठे थे और कैसे हम गिरे तो सक्सेस सब सक्सेस इज द बिगेस्ट डिस्ट्रॉयर मतलब आपने अपनी कंपनी के बारे में बात करी मतलब आई जस्ट वांट टू टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने एक बार एक जोश टॉक्स में एक बार एक टॉक दी थी और मतलब मैंने कितने सारे एस्पायरिंग फिल्म मेकर से प्रोड्यूसर से बात करी है जो लोग ये बोलते हैं कि उन्होंने उस एक घंटे के वीडियो को देख के ज्यादा सीखा है अबाउट एक्चुअली हसलिंग यू हैव टू कीप डूइंग थिंग्स एंड आई एम लिटरली आई से दैट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली व्हिचएवर वे यू लुक एट इट द लैक ऑफ 100 crores 100 crore film has given me longevity. क्योंकि आप गिन के देख लो सारे फिल्म मेकर्स जिनकी फिल्में रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस करती हैं फिर क्या होता है ना कि जब आप उस ब्रैकेट में फंस जाते हो तो सिर्फ आप अकेले नहीं फंसते हो प्रोड्यूसर भी आपसे वो एक्सपेक्ट करता है ऑडियंस भी एक्सपेक्ट करती है हीरो भी एक्सपेक्ट करता है और फिर आप फिल्म सोचने के बजाय वहाँ सोचने चालू करते हो फिर आप फॉर्मूला बनाते हो और फिर 2 film 3 film के बाद ऐसा उधार से गिरता है फिर आप खुद को रिपीट करने लग जाते हो नकल करने लग जाते हो मतलब एक ना आजकल सोशल मीडिया पे एक टर्म चलता है कि द मैथ इज़ नॉट मैथिंग मतलब लोग ऐसा बोलते हैं कि ना मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लगता है बॉलीवुड के सेंस में ना कि अभी आज के टाइम में जो बड़ी फिल्में बन रही हैं उनके केस में मेरे को ऐसा लगता है कि द मैथ इज नॉट मैथिंग एट ऑल कि मतलब इन टर्म्स ऑफ वो है नहीं ना आप खर्चा फिल्म पे नहीं कर रहे हो सी वन थिंग पीपल नीड टू कम बैक टू दिस होल रियलिटी चेक दैट जब फिल्म बनाने जाते हैं ना वो हम कुछ क्रिएट कर रहे होते हैं और बाकी लोग जाते हैं वो काम करने जाते हैं इट्स नॉट अ हॉलीडे इट्स नॉट पिकनिक तो जो इतनी सारी चीजें जो हैं इंडस्ट्री की बहुत सारा खर्चा जो होता है वो फिल्म में नहीं जाता वो पैराफर्नेलिया में जाता है एंटूराज में जाता है मतलब आप जंगल में शूट कर रहे हैं लेकिन आपको जंगल में शूट करते हुए आपको सिटी से 5 स्टार से बर्गर चाहिए तो एक गाड़ी एक्स्ट्रा उसके लिए जाती है जो 3 घंटा आपके लिए खाना लेके आ रही है आई थिंक यू डोंट गेट इनटू द होल प्रोसेस ऑफ इट करेक्ट और आज बॉम्बे में तो खासतौर पर मैं देखता हूँ आधे एक्टर्स तो मैं बोलता हूँ जाके वर्कशॉप करो थिएटर करो लेकिन वो जिम करते हैं सब जिम करते हैं सबकी प्रायोरिटी बॉडी बनाना है कैरेक्टर में घुसना नहीं है तो वो बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है आप हिंदी फिल्म में काम करना चाहते हो लेकिन किसी को हिंदी लिखना बोलना पढ़ना ही नहीं आता दूसरी प्रॉब्लम है
पर वो तो मेरे को लगता है कि जनरली एक कल्चर शिफ्ट भी हो गया ना, मतलब कल्चर शिफ्ट भी हो गया, वो हुआ है 100% हुआ कि मतलब नॉट जस्ट इन द फिल्म इंडस्ट्री इन जनरल, मतलब हिंदी लिटरेचर को भी देखो, हिंदी लिटरेचर अभी तो हर कोई अंग्रेजी में लिख रहा है, सेल्फ पब्लिश कर रहा है, और हमारे मतलब लिटरली इफ आई टॉक अबाउट गुड राइटिंग इन इंग्लिश इज 1% कंपेयर टू 99% बैड राइटिंग दैट्स पब्लिश्ड एंड अ लॉट ऑफ वेरी गुड राइटिंग इज ऑल्सो ट्रांसलेटेड आर ट्रांसलेशंस फ्रॉम रीजनल लैंग्वेजेस आई थिंक गाचर गोचर originally in Kannada, no? Hmm. It was such a great book. Yeah. So I'm saying that lot of good literature is translated. और वो भी तो बहुत ही अंग्रेजी में लिखने का जो लोगों का शौक है उनको और सेल्फ पब्लिश्ड जो चालू हो गया है बहुत सारा the mass of ghatiya writing in literature in the name of literature that I've seen in last 5 to 10 years is unbelievable. अच्छा सर, हम लोग अभी आज बैठे हैं यहाँ पे पोखर के दोनों पार के बारे में बात करने के लिए, जो कि मतलब एक बहुत खूबसूरत फिल्म है जो कि पार्स ने बनाई है, और मतलब इट आल्सो गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट जस्ट इंडिपेंडेंट सिनेमा इन जनरल. या हमारा मैं तो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस होल लॉट ऑफ फिल्म्स दैट आर कमिंग आउट फ्रॉम दरभंगा. एक जो अचल ने शुरू किया एक बार गामक घर से और धुईन और फिर अभी ये पोखर के दोनों पार अभी और भी करेंगे, तो वही एक तरीका है जो मतलब वापस लोग कर रहे हैं. पहले मतलब बहुत जगह मालेगांव में बनते थे, उसके ऊपर एक फिल्म भी बनी है आई थिंक रीमा आपटी ने बनाई है, बट एक 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 काइंड ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री जो है हर जगह जो चल रही है वो इंडिपेंडेंट सिनेमा के नाम पर, और वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे ऑल्सो रिकवर देयर कॉस्ट. प्रॉब्लम विद फिल्म मेकिंग इज बिकॉज इट कॉस्ट मनी, बट शुरू ऐसे ही होता है, कहीं ना कहीं से आपको एक्सप्रेस करने के लिए अपना साधन ढूंढना पड़ता है, फिर आपको अपनी ऑडियंस भी ढूंढनी पड़ती है. सो हमारे यहाँ बहुत मैसिव प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है कि हम सबसे ज्यादा फिल्में बनाते हैं और सबसे कम सिनेमा हमारे पास है. तो उसमें हमारे यहाँ सबसे बड़ा पहला सैक्रीफाइस इंडिपेंडेंट सिनेमा का होता है जो रीजनल में बच जाता है. जो रीजनल सिनेमा होता है especially down south in Tamil Nadu and Kerala because they prefer films in their own language. तो वहाँ पे independent film बच जाती है as compared to Hindi or any language which is a extension of Hindi. जिसकी audience Hindi हो, Hindi belt जो है वो जिसकी audience Hindi belt है वहाँ पे independent cinema काफी मरता है. मतलब मैं जब film festival वगैरह में जाता हूँ स्पेशली मतलब जो छोटे छोटे फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं और कितनी सारी फिल्में बन रही हैं जो कि और बहुत अच्छी अच्छी फिल्में भी बन रही हैं और रिलीज नहीं होती है. रिलीज नहीं होती मतलब कई कई साल निकल जाते हैं. मतलब अभी तो चलो हम फिर भी बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट फिल्मों की बात कर रहे हैं. ऑब्वियसली एक ऐसा भी टाइम था जब हरामखोर वगैरह ऐसी फिल्में थी जिसमें नवाज जैसे स्टार्स थे, आप लोग बैक कर रहे थे, उसके बावजूद भी उनको तो कई कई साल लग रहे थे. लगते हैं आज के टाइम में लगता है कि सर इतना बड़ा डिवाइड हो गया है कि मतलब यहाँ एक तरफ मेन स्ट्रीम सिनेमा जो है वो एक एकदम ही एक टेम्पलेट बंद के रह गया. नहीं बट वो क्या है कि सिनेमा जब तक ट्रेड के हाथ में रहेगा ना और इस बेसिस पे डिसाइड होगा बजट की कौन है इसमें, ना कि क्या फिल्म बन रही है. हर चीज अगर उस बेसिस पे डिसाइड, अब मैं सिंपल सी बात करता हूँ, मैं बड़ी फिल्मों की बात करता हूँ, मैं छोटी की बात ही नहीं कर रहा हूँ. हॉलीवुड में जब मार्वल आया से फॉर एग्जाम्पल, जितना बड़ा आइडिया होता उतने अननोन एक्टर्स होते थे, उतने छोटे एक्टर्स होते थे. इंडिया का प्रॉब्लम क्या है, जितना बड़ा आइडिया उतना बड़ा एक्टर चाहिए, तो फिल्म का कॉस्ट ही 4 गुना हो जाता है. करेक्ट. तो वो वहीं पे सारी मैथ बिगड़ जाती है. मार्वल हैज पिक्ड अप ऑल इंडिपेंडेंट एक्टर्स और एक्टर्स हु आर नॉट एट देयर पीक एंड टर्न देम इनटू सुपर हीरोज एंड देन मार्वल पीक्ड एंड देन मार्वल स्टार्टेड रिपीटिंग इटसेल्फ. या देन दे बिकेम स्टार. Then they created expectations and then they started repeating themselves. They found a formula and hence the decline started. India mein ulta hi hai. India mein actor aata hai, toh budget badhta hai. But what, because trade controls it. Because everybody makes money off it. But the burden is on the film. Correct. Toh mere liye sabse zyada interesting cheez hai. Mere ko lagta hai ki aaj ke time mein, I think more independent films are being made.
more independent. I'm saying mainstream maybe independent ideas work much more. Work much more. But the thing is, they don't get the backing. Literally, I'm thinking, today you go to any actor, any star, they want to make sure it's a hit or not a hit. Badi film hai ki nahi hai, hit hogi ki nahi hogi, itne kamayegi ki nahi kamayegi. Script bahut achhi hai, isko isko aur kya kar sakte ki itne kamaye. Agar script bahut achhi to karo. I'm saying everybody starts thinking of what will happen after the film comes out. But nobody is going by instinct, like mujhe achhe lage main kar raha hu. तो हम लोग इतने caught up हो गए हैं, social media is the biggest culprit in that. सोशल अभी तो सड़क पे जाओ तो हर आदमी बोलता है सर ये फिल्म देखी इसने इतने पैसे कमाए तेरा क्या लेना देना तेरा काम ही कुछ और है बट इट हैज टेकन ओवर एवरीवन बहुत ज्यादा बढ़ गया मतलब बहुत ज्यादा एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट बॉक्स ऑफिस नंबर्स और व्हाट हैपेंस इज इट साइकोलॉजिकली क्रिएट्स दैट होल थिंग एंड इन अ टाइम लाइक टुडे वेयर पीपल एक्चुअली आर मेकिंग मच मोर मनी देन दे वुड हैव 20 इयर्स अगो They feel shortchanged. Yeah. People feel shortchanged. I said, when we were working as an, I was working as a writer, my fees for an entire film was lesser than what a first AD will get per month today. Right? But in spite of that, I cannot make a film today like I made Gulal. अच्छा you think you can't make a Raman Raghav Gulal Ugly Mukka not because of the politics or anything like that nothing like that बन ही नहीं सकते नहीं politics also and as well as budgeting also I cannot budget the film at that cost because when OTTs came in a lot of things got spoiled the amount of suddenly when say for example I'd never seen so many vanity vans on my set Like I saw on Sacred Games. Right. But that culture got started. Then you can't reverse that. See, what happens is, finally, those people started getting paid who were totally ignored. Which is the technical crew. See, who works the longest on a film? It's the assistant. They come in first, they leave last. एक्टर तो आता है और शूट करके चला जाता है करेक्ट पीपल हु आर लीस्ट पेड वर दे स्टार्टेड गेटिंग पेड इन अ वे इन अ काइंड ऑफ अ फेयर वे राइट बट देयर इज आल्सो अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा थिंग्स दैट स्टार्टेड कमिंग इन नाउ यू कांट गो बैक फ्रॉम देयर द रिवर्सिंग इज व्हाट इज गोइंग टू कॉज अ लॉट ऑफ गैप नाउ इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम एक्टर्स हैव टू रिवाइज देयर प्राइसेस बिकॉज सडनली इतने पैसे किसी ने देखे नहीं थे और सब लोगों को आदत पड़ गई So OTT, the advent of OTT being the major... OTT in the beginning. Now OTTs have also realized this. So everybody wants to cut down cost now. Yeah. So what has happened is, pehle sabne cost milke badhaya, ab sabko cut down karna hai. Ab aap jo sabko le gaye upar, jab 80 माले की building के 80th floor पे ले गए तुम, और 80th floor से बोला अब lift काम नहीं कर रहे, अब खुद नीचे कूद के आओ. Yeah. so the problem वहाँ पे है. Yeah. उसको कैसे रिवर्स करोगे उसमें बहुत टाइम लगेगा तो उसमें जो है मिड बजट लो बजट इंडिपेंडेंट सिनेमा विद न्यूअर आइडियाज विल हैज द चांस टू थ्राइव इफ समबडी सीज दिस प्रॉब्लम एज एन अपॉर्चुनिटी दे विल थ्राइव इफ समबडी सीज दैट लाइक बड़ी नहीं बन रही तो छोटी कहां से बनेगी तो फिर वो सोचते रहेगा आई टू सी इट एज अ टोटल अपॉर्चुनिटी वेयर लाइक यू नो थिंक Big in a smaller cost. Do you think right now is a time when the media culture is more favorable to the long format, the web series format in terms of the experimentation and storytelling? Yeah, वो भी खत्म हो गया आपके हिसाब से? Yeah, मैं सब सोचते हैं. मैं सोचते हैं. मेरे को my thing is like sometimes I want to tell long stories, sometimes I want to tell make a film. तो जब जो कहना उसके हिसाब से मैं सोचता हूँ. नहीं पर आई एम सेइंग इन टर्म्स ऑफ की जैसे कि आपने बोला कि मतलब आज के टाइम में थिएटर में भी देर आरंट पीपल हु आर गोइंग टू वॉच फिल्म्स और देर आरंट इनफ स्क्रीन्स आल्सो ओटीटी वाले भी एक इंडिपेंडेंट फिल्म को नहीं खरीद रहे हैं या फिर एक कोई एक्सपेरिमेंट फिल्म भी होगी उसके लिए कोई जगह नहीं बची आज के टाइम पे है ना मतलब थ्री ऑफ अस जैसी फिल्म वंस एंड अ व्हाइल आएगी जो कि थोड़े बहुत नंबर्स थिएटर में करेगी उसके बाद फिर ओटीटी पे आएगी तब उसके बारे में लोग बात करेंगे पर
एक वेब सीरीज देर बी शो लाइक ट्रायल बाय फायर विच इज अ वेल मेड शो यू कैन सी दैट देर इज वेरी लिटिल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ओटीटी प्लेटफॉर्म और द स्टूडियो इन इट अच्छे तरीके से बनाया वो दैट शो इज थ्राइविंग सो डू यू थिंक दैट अभी जो स्पेस क्रिएट हो गया है उसमें एक जो लॉन्ग फॉर्मेट है वो कहीं ना कहीं थ्राइव कर रहा है फॉर्मेट की बात ही नहीं है आई एम सेइंग लॉन्ग फॉर्मेट में भी देयर आर वेरी बैड शोस हां और शॉर्ट फॉर्मेट में भी देयर आर वेरी बैड फिल्म्स सो आप गुड शो एंड गुड फिल्म विल वर्क इट इज नॉट अबाउट द फॉर्मेट गुड शोज एंड गुड फिल्म्स विल वर्क लोग बोलते हैं कि लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो गया तो लोग जो है छोटे छोटे देखना चाहते हैं But then why is it that every single film that has worked are longer than 2.5 hours, 3 hours? Right. Why? I'm saying it totally disproves it, the theory. Yeah. Right. But somehow, people find it burdensome when they're watching a show if every episode is longer than 1 hour. If it shows 40 minutes, 30 minutes, people suddenly watch it. I mean, that's the total opposite of it. लोग बिंज वॉच करते तो लोग बिंज वॉच इसलिए नहीं करते लोग बिंज वॉच भी करते हैं कि हाँ ये मैं अभी देखना शुरू करूंगा मैं सोने से पहले तक खत्म हो जाएगा मुझे लगता है अगर मैं अभी देखना शुरू करूंगा सुबह तक चलेगा तो मेरा अगला दिन भी सैक्रिफाइस कर सकूं तो फिर वो वीकेंड पे देखेगा ठीक है ये सारी चीजें वैसी होती है जैसे हम लोग मैंने बहुत टाइम के बाद डिसाइड फिगर आउट किया कि मेरी फिल्म लोग देखते हैं लेकिन अपने टाइम से देखते हैं क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है डिसेंडिंग ऑडियंस वो फ्राइडे को लाइन में नहीं लगती वो अपने टाइम से देखेगी फिल्म तो भले वो अपना टाइम 2 साल बाद है तो मेरे को लगता है मेरी ऑडियंस तक मेरी फिल्म 4 साल में पहुंच जाती तो दस साल 4 साल के बाद मेरी फिल्म हिट हो जाती तो 4 साल तक मेरी ऑडियंस के बाद मेरी फिल्म पहुंच जाती हाँ कुछ फिल्में तो आपकी मतलब 10-15 साल बाद भी पहुंची है ब्लैक फ्राइडे वगैरह तो वो है मतलब वो जो जो अवेलेबल है आजकल वही होता ना कि कौन सी फिल्म कहाँ अवेलेबल है व्हिच इज व्हाई आई स्टार्ट दिस इज वन ऑफ द की रीजंस व्हाई कलेक्ट फिल्म्स मेरे पास फिल्में अवेलेबल है होनी चाहिए मैं पता नहीं कब कब देखूंगा क्या देखूंगा किसको दिखाऊंगा लेकिन अवेलेबल होनी चाहिए कल को मिले ना मिले व्हाट आई डोंट बाय टू मच इज टू मच ऑफ आई रियली लाइक अ मेनस्ट्रीम हॉलीवुड फिल्म आई विल बाय इट इफ यू रियली लाइक अ मेनस्ट्रीम हॉलीवुड फिल्म आई विल बाय इट बट अदरवाइज जॉनर फिल्म आई विल बाय इट बिकॉज बाकी सब अवेलेबल है ना ओटीटी पे मैं क्यों खरीदूं फेयर इनफ ओवर ही ओटीटी पे आई एम सेइंग योर फिल्म्स दैट मेक अ बिलियन डॉलर दे विल ऑलवेज बी देयर ना सर मैं एक थोड़ी सी एक प्रोहिबिटेड टेरिटरी में जाना चाहता हूं हां बोलो मुझे नहीं पता अभी तक इस बारे में बात हुई है कि नहीं पर आपने भी थोड़े टाइम पहले एक पोस्ट डाला था हां इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के बारे में या नए फिल्म मेकर्स के बारे में हु वांट टू अप्रोच यू हाँ नहीं वो फिल्म मेकर्स के लिए नहीं तो वो फालतू लोगों को भगा नहीं सी क्या होता है ना कि हर आदमी को लगता है उसका किसके पास कुछ कमाल का आइडिया लेकिन वो कभी ये नहीं सोचता बिकॉज व्हाट हैज हैपेंड इज व्हेन देयर वाज अ टाइम व्हेन आई हैड टाइम एंड एनर्जी एंड आई वांटेड टू एंड आई डिड इन माय फुल कैपेसिटी सपोर्टेड ऑल काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट फिल्म्स व्हाट पीपल आर नॉट अवेयर एंड दे डोंट आस्क कि आप किस जोन में हो आई हैव गॉन थ्रू 2.5 years of extreme sickness, dependency on medicine. I've gone through my whole phase of depression, everything. In a phase like that, you have to prioritize yourself first. So if I'm not fully mentally, physically healed, emotionally healed, अगर आप एक साल पहले का इंटरव्यू देखो आपको मेरे चेहरे पे देखेगा मैं कितना बीमार हूँ उसमें भी लोग आ जाते हैं फिल्म मेरी देखो मेरी स्क्रिप्ट पढ़ो मैं कहा यार मेरे को मैं इतने स्टेरॉइड्स पे हूँ कि मुझे नींद नहीं आती कभी कभी इसको नम करने के लिए मैं ऊपर से विस्की भी ले लेता हूँ वैसे अच्छी फिल्में नहीं देखी जाती आई एम वॉचिंग सेम ओल्ड फिल्म्स ऑफ माइंड आई प्ले देम बिकॉज आई एम फेमिलियर विद देम वो साउंड चलता रहता है और मुझे लगता है मैं फिल्म देख रहा हूँ एंड देयर ऑल्सो फिल्म दैट डोंट यूज योर माइंड सो मेरे पास इतना ब्रेन माइंड स्पेस नहीं है कि मैं उस तरह की सीरियस फिल्म देख सकूं जिसके लिए मुझे एब्जॉर्ब करना पड़े तो मैं उस तरह की एक्शन फिल्म चला के देख रहा हूँ मैं उस स्टेज में उस फेज ऑफ माइंड में हूँ उसमें लोग आए जा रहे हैं बिकॉज कॉन्स्टेंटली उनको लगता है कि अभी भी मैंने कहा यार वो टाइम चला गया अभी देयर इज अ टाइम व्हेन आई वाज डूइंग ऑल दीस थिंग्स बिकॉज नोबडी वाज डूइंग इट नाउ देयर इज इनफ पीपल
And then enough, like, why do I constantly... कई बार लोग घर पे ऐसे ही पहुंच जाते हैं और नीचे झूठ बोल के और मैं एक एक बंदे एक कोई एक बार एक आदमी आया घर पे घंटी बजी दरवाजा खुला बोलता है सर हाँ मैं कौन हूँ आप क्या हो क्यों आए हो सर आपको फिल्म दिखानी थी तो मैंने कहा यार आप ऐसे मतलब जब मेरे पास टाइम होगा मैं देखूंगा अगर मेरे पास हुआ सही वैसे तो नहीं सर यू डोंट अंडरस्टैंड माई फादर पास्ड अवे तो मेरे को दुख नहीं लगा Like, I'm sorry that your father passed away, but does it mean that I have to watch your film right now because I'm dealing with a lot of my own shit? You have not come in and you have asked me, and how did you just randomly ended up at my door? So, जब इस तरह की चीजें होने लग जाती हैं, फिर फोन आने लग जाते हैं कि और एक तो पता नहीं क्या लोगों के अंदर है कि एक अजीब सी गलतफहमी है कि ना ये मैं पत्थर से भी एक्टिंग करा रहता हूँ यार मैं कुछ नहीं करवाता किसी से वो एक्टर होते हैं पहले से सो ना कोई भी पहुंच जाता है और इंडस्ट्री भी ऐसी है इंडस्ट्री के लिए एक आइडिया ऑफ अ हीरो इज वेरी फिक्स्ड फेयर पंजाबी लुकिंग लाइक यू नो बॉडी बिल्डर काइंड ऑफ अ थिंग करेक्ट सो एनीबॉडी हु डजंट फिट दैट फॉर्मेट दे थिंक दैट आई एम द वन हु विल कास्ट देम सो द अमाउंट ऑफ प्रेशर दैट आई हैव टू डील विद समटाइम्स या सो नथिंग इज एवरी फिल्म दैट आई हैव प्रेजेंट लाइक फॉर एग्जांपल पोखर के दोनों पार Or it will be Dug Dug or Jaggi. These are films I've discovered by recommendation through people I trust. मेरे पास कोई फिल्म आती है तो पहला आदमी मैं नहीं हूँ देखने वाला because मेरे पास इतना bandwidth नहीं है तो मेरे लोग होते हैं जो trust करते हैं या festival वाली circuit के लोग हैं जो जो festival के लिए film select करते हैं they tell me this film you must watch. And people I trust, on their recommendation, I watch films. And then I realize if the film needs support, then I'll support it and present it. Yeah. But I'm not going to go to a museum. Na mere paas koi aisa bandwidth tha ki main ja raha hu bhai, chal main aaj tere live banata hu. Haan, main chhu dunga to tu sona ho jayega. Are bhai, agar mere chhune se kuch sona tha to main yahan haath rakh ke naach raha hota na. Lekin sir, phir bhi matlab, I think, You really, really deserve, मतलब हम सबका gratitude है बहुत सारा इस चीज़ के लिए कि आप ही हो मतलब जो आज तक भी ये कर रहे हो कि मतलब you know you are at the stage of your career and you still no, I supporting. Just present films. See what happens is I don't see myself as something. I see myself as an enabler. क्योंकि ठीक है अगर मुझे एक फिल्म पसंद आई है तो मैं मुझे कोई दिक्कत नहीं बोलने में कि ये फिल्म मुझे बहुत पसंद आई है देखो अच्छी है. But it only comes from I have to really like the film and if the it helps the film by me supporting it in a little by nudging it a little bit I will do that but usme bhi ek limit hoti hai see at the end of the day mujhe bhi apna kaam karna hai of course aur mujhe bhi apni script likhne ke liye time chahiye mujhe bhi shanti chahiye mujhe bhi sab kuch chahiye lekin wo logon ko nahi samajh aata to jab maine post dali thi wo post एक के बाद एक आ रहा है और रैंडमली आ रहा है और फोन कर रहा है इनकी फिल्म देख लो कोई फोन कर रहा है कोई आदमी किसी अजीब कनेक्शन से आते हैं कि आपके स्कूल में ये आपके सीनियर थे मैं उनके उस जानने वाले का बेटा हूँ मैंने एक फिल्म बनाई है तो मैं क्या करूँ भाई हाँ इस तरह की चीज होती है कोई कहीं ऐसे आ जाता है किसी को एक्टर बनना है रैंडमली कोई किसी पावरफुल आदमी से फोन करवा देता है तो मैं एक पॉइंट पे ना इरिटेशन आता हूँ वो इतने मैं दिन में अगर 15-15 मिनट भी दूँ तो इतने सारे 15 मिनट नहीं है मेरे पास तो मैं अपना टाइम दूंगा उसके लिए जिसमें मेरे को पूरा फेथ और विश्वास है और जहां पे मैंने देखा है सामने वाले ने भी उतना ही दिया है अपने आप को मतलब कई लोग और कसम से अगर मैंने चार अच्छी फिल्में को एनेबल किया है ना तो 400 घटिया फिल्में झेली भी है मैंने और जब कैपेसिटी थी तो कर लेता था अभी नहीं है कैपेसिटी राइट अभी माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज आई मी मायसेल्फ ऑफ कोर्स माय आई नीड टू फुल्ली फिक्स मायसेल्फ आई एम इन अ मच बेटर स्पेस आई एम इन अ मच हेल्दियर स्पेस बट आई आल्सो नो आई एम स्टिल वन और टू इयर्स अवे फ्रॉम बीइंग हु आई वाज इन 2018 सर मतलब रियली रियली होपिंग दैट आई एम वर्किंग टुवर्ड्स इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी इट इज नॉट एनीबॉडीज रिस्पांसिबिलिटी
people should also give you that much space, na, ki yaar abhi 2 saal chhod dete na is aadmi ko. Main to literally bol raha hu, bhai mere ko 2 saal chhod do, main ko wapas pehle jaisa ho jane do, same energy level mera wapas aa jayega, main khul ke support karunga. Meri taakat bhi to lautne do na mere ko. Mera cup jo hai na aadhe se bhi kam hai abhi. Jab mera cup bhara hoga to main tumko pani pilaunga na. Abhi mujhe khud pyaas lagi hui hai, pehle main to pi lo. Sir, our films cathartic for you? Yes, absolutely. Do you... I pour my everything into a movie. I'm saying as a watcher. Yes, that also. And aapne abhi depression aur mental health ki baat kari, to matlab jo aapka, when you are going through your lowest time, are you still able to muster the energy to watch films at that time? I watch, at that time I revisit films. Okay. Nai film, kuch nai film hai jo aap mere liye cathartic hoti hai. But I revisit my old films that really impacted me. So when I'm going through something, I will revisit films. I watch the same films that I have seen probably 10 times, 15 times. मैंने एक बार कहीं पे पढ़ा था कि मतलब you know that you are probably the most depressed or you're going through the worst mental health phase of your life when you stop enjoying the things that you at one point used to love the most. Or ye nahi, wo hota hai, but the thing is, like, say for example, if you ask me, beech mein 2 saal aisa tha jab main bahut sari filmein nahi dekh pa raha tha. I wanted films to be noise in the background, right? To meri capacity nahi thi ki main ऐसी फिल्में देख सकूं जो मैं जनरली फेस्टिवल के मैं दुनिया में भर में ट्रैवल करके जाता हूं देखने के लिए. वो मेरा फेस नहीं था 2 साल. मैं काफी बीमार था और मैं काफी मेडिकेशन पे था. राइट. आई हैड बलून्ड लाइक 35 किलोस. तो उस फेस से निकलने में बहुत टाइम लगा मुझे. अभी मैं देख लेता हूं, अभी तो मैं रोज एक फिल्म देखता हूं. अब मैं रोज एक फिल्म देखता हूं. आपका वैसे पीक क्या गया? आपने एक टाइम पे मैक्सिमम कितनी देखी है एक दिन में? मैंने एक दिन में मैंने मतलब 11 दिन में 55 फिल्में देखी. किसी फेस्टिवल में? हाँ, जिसके बाद मैंने डिसाइड किया मैं फिल्में बनाना चाहता हूँ. अरे क्या बात है. एक मामी नहीं, दिल्ली में इफी उस समय दिल्ली में था. राइट. आपने अभी रिसेंटली जब रॉकी और रानी के बारे में पोस्ट डाला था, ठीक है, और ये आपके साथ बहुत बार होता है कि जब भी आप ऐसी किसी मेनस्ट्रीम फिल्म को सपोर्ट करते हो, हाँ, कि मतलब आपने अगर करण जौहर की फिल्म को अच्छा बोल दिया तो फिर आप बिक गए या फिर ये हो गया कि मतलब अनुराग कश्यप चेंज हो गया या फिर जो भी. हाँ, वो चलता रहता. मैं बहुत बार कैंसिल होता हूँ. फिर मुझे कैंसिल होने की इतनी आदत है ना, मतलब लोगों का कैंसिल कल्चर बाद में शुरू हुआ, मैं उसके पहले से कैंसिल होना शुरू हुआ. मेरे को तो 2000 में ही कैंसिल कर दिया था जब मैंने 5 बनाई थी. मैं ब्लैक फ्राइडे बनाई थी तभी कैंसिल हो गया था. मेरे को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. आई जस्ट वॉन्ट टू स्टे ट्रू टू माई सेल्फ. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स आते हैं और बहुत सारी चीज़ों के बारे में पूछते हैं. कोई बोलता है तुमने संदीप के साथ फोटो पोस्ट क्यों डाली? मैंने कहा मैंने डिलीट नहीं की ना. हाँ, तो आई एम नॉट अपोलोजेटिक अबाउट दैट पोस्ट बिकॉज आई रियली लाइक द गाय. और जो भी होगा और जो भी है मेरे उसके बीच में बोलते नहीं आपको क्या लगता है, तो मैं कम पर्सनल लेवल पर जो भी बोलूँगा मैं कभी मीडिया को ऐसी बिकॉज यू नो क्या होता है, जैसे सपोज मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं एक फिल्म अच्छी लगी तो मैं उसकी बहुत तारीफ करूँगा और किसी चीज़ से कोई दिक्कत है तो मैं फिल्म मेकर से डिस्कस करूँगा. मैं जब मीडिया में बोलता हूँ तो मीडिया क्या ना, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वो कॉन्वर्सेशन तो लिखती नहीं पूरा, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक लाइन निकाल के उसको घुमाती रहती है और फिर उसका जो इम्पैक्ट होता है वो 10 जगह होता है. और कोई भी आज की डेट में किसी भी चीज़ को डिटेल में ना दिखता है ना पढ़ता है, वो हेडलाइन से पढ़ता है. वैसा हुआ है मेरे साथ. जब मैं रॉकी रानी पे डाला, लोग बोलते कितने पैसे मिले तो, और कई लोग ऐसे उसका उल्टा भी होता है, कई लोग फोन करते हैं ये इस पे आप पोस्ट डालो कितना चार्ज करोगे. ऐसा भी होता है. मैं कहा फिल्म दिखाओ पहले, फिल्म अच्छी लगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं. और माय प्रॉब्लम इज लाइक आई हैव टू इट कम्स आउट ऑटोमेटिकली. मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने बोला है मुझे. आई थिंक करण जौहर हिमसेल्फ वाज शॉक्ड दैट आई लाइक रॉकी रानी.
पर सर मैं एक्चुअली और सच बात है कि मैंने दिन में दो बार देखी वो फिल्म. या मैंने मॉर्निंग में बिकॉज़ आई हैड अ फ्लाइट टू चेन्नई मॉर्निंग शो बॉम्बे में देखा. फ्लाइट पर चेन्नई गया अगले दिन मेरा शूट पुश हुआ था तो मैं रात को जाके वापस चेन्नई में शो देखा. पर सर ये एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग चीज है सर रॉकी और रानी. क्योंकि देखो मतलब एक फिल्म अच्छी है या बुरी है इसको कोई ऑब्जेक्टिवली डिसाइड करने का तरीका नहीं है. मुझे अच्छी लगी है ना मतलब दैट्स व्हाट मैं उसके बारे में मैं ये बोल ही नहीं रहा कि फिल्म अच्छी है बुरी है. मैं कहा मुझे अच्छी लगी. या मुझे अच्छी लगी इज अ वेरी पर्सनल पर्सपेक्टिव. उसका किसी से कोई लेना देना नहीं. आपको लगता है कि मतलब आई डोंट नो इफ दिस इज लाइक एन एप्रोप्रिएट थिंग टू टॉक अबाउट बट आपका जो एक फैंडम बना हुआ है जो आपके मतलब एकदम कल्ट वो उनके दिमाग में कुछ और है बिकॉज़ यू नो आई विल टेल यू समथिंग. सबसे लोग आपका एक परसेप्शन बना लेते हैं. लोग मेरे मैं एक असिस्टेंट आया था मेरे पास ऑफिस में रोज चक्कर काटे सब ऑफिस वाले भी पहचान सर मिल लो बेचारे से एक बार. मैं कहा मिल के मैं करूँगा क्या. हाँ बोलते नहीं इसको काम करना. मैं उसको पूछा मैं क्या करना है. बोलता सर कुछ भी करूँगा मैं झाड़ू मार लूँगा. मैं वो पैशन जो ना सब लोग बात करते बहुत लोग बात करते इस पैशन से. मैं झाड़ू मार लूँगा मैं आप जो बोलोगे मैं खाना बना लूँगा ये करूँगा. तो मैं कहा यार झाड़ू मारने वाला भी है खाना बनाने वाला भी है मेरे पास एक्चुअली जगह नहीं है. और हम लोग जिस बजट में काम करते हैं बोलता नहीं नहीं सर मैं करूँगा. यार शूटिंग के टाइम हम लोकेशन में घुसते हैं ना उतने ही लोग चाहिए होते हैं. अदरवाइज इट स्टार्ट्स इंटरफेयरिंग इन द प्रोसेस ऑफ फिल्म मेकिंग. सर आप समझ नहीं रहा मैं भी आपकी तरह मेंटली डिस्टर्ब हूँ साइको. तो मैं ऐसा हो गया. तो ये मेरा परसेप्शन है. मैं जगह जगह जाता हूँ लोग मुझे जॉइंट बना के गिफ्ट करने आते हैं. उनको पता नहीं मैं एलर्जिक हूँ उससे. आई हैव नेवर स्मोक्ड अप इन माय लाइफ आई रोल माय सिगरेट्स. परसेप्शन फिल्म से बना हुआ है. आई डू ड्रिंक माय व्हिस्की बट कहीं भी जाओ तो लोग जो है ना आपको एक एक बॉक्स में डाल के रखे हुए हैं. तो जो फैंडम है ना फैंस मैं बोलता हूँ फैंस से मुझे बहुत डर लगता है. फैंस से बहुत ज़्यादा डर लगता है. और जितने ज़्यादा फैंस से मैं मिलता हूँ और जितने ज़्यादा लोग मेरे साथ सेल्फी खिंचाते उतने तो मेरे टिकट नहीं बिकते. तो अगर वो दोनों चीज़ें प्रोपोर्शनेट हो जाए ना तो मुझे समझ में आएगा फैंडम. तो फैंडम सिर्फ इसका एक तरफ बिगेस्ट एग्जाम्पल इज बॉम्बे लोरेट. लोगों को लगा मैंने अपनी आत्मा बेच दी मेरे फैंस को लगा. और ये वो फैंस हैं जो फिल्म थिएटर में जाके नहीं देखते थे उस समय जो फिल्म डाउनलोड करके देखते थे उनको लगा मैंने अपनी आत्मा बेच दी. रणबीर के फैंस को लगा वो पागल हो गया क्या कर रहा है किस आदमी खत्म कर रहा है. तो वो सबका फैंडम जो है ना वो एक दूसरे के साथ टकरा गया. करण जौहर को कैसे कास्ट कर लिया करण जौहर का फैन होता था तो एक्टिंग क्यों कर रहा है. बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो वो हिंदुस्तान में हीरो वर्शिपिंग ज़्यादा है. अब बाहर जाओ ना मैं जब मतलब बाहर जाता हूँ वहाँ पे हीरो वर्शिपिंग नहीं देखते. लोग बहुत नॉर्मल लाइफ जीते. एक्टर्स हो डायरेक्टर्स हो. हीरो वर्शिपिंग यू आल्सो मीन फॉर योर फॉर एग्जांपल फॉर यू. नहीं नहीं फॉर एवरीबॉडी. वी आर अ कंट्री ऑफ हीरो वर्शिपिंग बिकॉज वी हैव एक्सट्रीमली वी आर सो डिप्राइव्ड ऑफ सो मेनी थिंग्स प्लस वी हैव वेरी लो कॉन्फिडेंस एंड वेरी लो सेल्फ एस्टीम. हमें हीरोज की जरूरत पड़ती है. उसका फायदा हर जगह होता है. हमारी फिल्मों में लार्जर देन लाइफ हीरो क्यों होता है. हमारी कंट्री अकेली कंट्री है जहाँ पे कोई भी एक्टर वो सुपर हीरो का रोल नहीं करेगा जिसका जो उसका चेहरा मास्क में हो. सबके मास्क कितने होते हैं कि चेहरा दिखाई दे भाई मैं कौन हूँ. या तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट काइंड ऑफ अ थिंग. और हमारा तो तुम्हारा क्या आयरन मैन और किसकी बात करता हूँ. हमारे शाहरुख सलमान ही है सुपर हीरो. हमें जरूरत ही नहीं आयरन मैन की. हमें जरूरत ही नहीं है हल्क की. हमारा सनी देओल आ जाता हल्क उसके सामने क्या है. तो मैं थिंक लाइक हम लोग कि हमारे यहाँ अंदर ऐसा है हमें हीरो की जरूरत है टू फील बेटर अबाउट आवरसेल्व्स. हम लोग फैंटेसाइज करते हैं. एक एवरेज इंडियन की फैंटेसी है कि वो जाके एक दिन कुछ ऐसा हीरोइक कर देगा डायलॉग है सोच समझ के लिखा हुआ है. हर आदमी के दिमाग में अपनी अपनी पिक्चर चल रही है. तो वो है वो सबको ऐसे ही होता है. और जनरली मेरे को भी रिसेंट रियलाइजेशन हुआ था अभी कहाँ पे मैंने कोई आया मेरे पास एयरपोर्ट पे बोला सर अनुराग कश्यप. मैंने कहा हाँ बोलिए एक फोटो मिलेगी यहाँ से. हाँ तो मैंने जनरली पूछा मैंने कहा अरे मैं
उसने कोई मेरी फिल्म नहीं देखी थी, उसको पता भी नहीं मैं डायरेक्टर हूँ, ना ही वो मेरा एक्टिंग का फैन था, उसने सिर्फ मेरे इंटरव्यूज देखे हैं यूट्यूब पे. Then I realized a lot of people actually have just seen my interviews, they have not seen my films. सर आपके नाम के हेडलाइंस तो बिकती हैं वैसे, ये तो मैंने देखा है. मतलब गूगल पे जो रेकमेंडेड आती है ना हेडलाइंस, आप अगर एक पोस्ट या ट्वीट कुछ भी डाल दो ना, आपका नाम तो आएगा ही आएगा उसमें. हाँ तो वही है, वही दिक्कत है. मैं चांसेस मैं चाहता हूँ एक बार मेरी फिल्म देखे लोग. एक बार लोग आए और मेरी फिल्म देखे. सर मतलब मैं हंसराज का पास आउट हूँ, मतलब आपकी तरह, और आपका जूनियर रहा हूँ मैं. जूनियर नहीं रहा तो मैं तुम तो मेरे नेक्स्ट जनरेशन जूनियर हो. मैं तुमसे कम से कम ये तो 20-22 साल 25 साल हाँ. पहले रहा था कॉलेज. मैं आपको यंग फील करा रहा था. मुझे आई एम वेरी सेल्फ अवेयर. लेकिन हम दोनों के एक सीनियर हैं शाहरुख खान साहब. हाँ. आपकी फेवरेट शाहरुख खान फिल्म कौन सी है? मेरी फेवरेट शाहरुख खान फिल्म तो चक दे इंडिया इज वन ऑफ माय फेवरेट शाहरुख खान फिल्म, और कभी हां कभी ना. आपको लगता है कितना इंटरेस्टिंग टाइम रहा होगा उस टाइम पे, कुंदन शाह और शाहरुख खान एक साथ काम कर रहे थे? बट बिगिनिंग स्टेज में शाहरुख खान ने सबके साथ काम किया. कुंदन शाह, मणि कौल के साथ, अहमक की है, केतन मेहता, सबके साथ किया उसने. और सर मतलब पता नहीं ये मेरा एक शायद, और मतलब हम लोग हंसराज में थिएटर करते थे, और ऑब्वियसली हम सबके लिए दो ही लोग होते थे जिनको हम लोग सबसे ज़्यादा लुकअप करते थे, यू एंड ऑफ कोर्स शाहरुख खान. तो एक ना कहीं हम लोगों के अंदर एक पर्सनल वो है कि यार एक बार अनुराग कश्यप और शाहरुख खान की फिल्म इस लाइफ टाइम में देख के जाना है. अरे यार वो इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है वो. पर आपका तो एस्पिरेशन था ना एक टाइम पे. वो तो है, मतलब आई लाइक हिम सो मच, बट द थिंग इज लाइक आई एम वेरी स्केयर्ड ऑफ फैंस नाउ. मैं बहुत डरता हूँ आज के सोशल मीडिया के जमाने में बड़े स्टार के फैंस से, बिकॉज वो एक्टर्स जो है टाइप कास्ट होते हैं फैंस की वजह से. फैंस को उनसे वही चीज वापस चाहिए होती है, जब नहीं होता तो फैंस रिजेक्ट कर देते हैं. तो एक्टर जो है वो नई चीज भी करने से डरने लग जाता है. सो मुझे बहुत डर है, क्योंकि मैं तो अपनी फिल्म बनाऊंगा तो मैं तो केटर करूंगा नहीं फैंस को, तो उसका जो रिपरकशन और कॉन्सिक्वेंस और जो आपके ऊपर आता है ना वो बहुत भारी पड़ता है. तो मेरे 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 बस का नहीं है कि मैं शाहरुख खान के का जो ऑरा है और जो जो उसका एनिग्मा है और जो उसका कि मैं उसको कैटर कर सकूं, मेरे बस का नहीं है. आपको लगता है कि शाहरुख खान जो अभी बीच में उनका एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल फेज था, वो जो लोग समझते नहीं है कि जो उन्होंने फैन करी वो फिल्में कैसी भी निकली वो अलग बात है. देखो अगर शाहरुख खान की वो सारी फिल्में चलती ना तो मैं बोल सकता था कि मैं हिम्मत है शाहरुख खान के साथ फिल्म करने की. तो आप उसी बेसिस पे डिसाइड करते हो ना कि किसकी किस तरह की फिल्म लोग देखना चाह रहे हैं. तो मुझे इसलिए मालूम है कि मेरी हिम्मत नहीं है, मैं वो बना ही नहीं सकता, मेरी कैपेसिटी ही नहीं है. वो एक स्किल है वो जो उन्हीं के पास है जो करते हैं, मेरे अंदर नहीं है वो स्किल. मैं अपने बजट में सीमित उसमें जोन में खुश हूँ और आई वॉन्ट टू मेक माई फिल्म. आई एम सेइंग एटलीस्ट मैं एक ऑडियंस तो खुश होगी उस फिल्म से जो कि मैं. पहली ऑडियंस तो मैं हूँ ना अपनी फिल्म की. अगर मैं ही खुश नहीं हूँ और मुझे नहीं मालूम मैं क्या बना रहा हूँ, मैं कॉन्स्टेंटली सोच रहा हूँ ये चलेगा नहीं चलेगा, ये चलेगा नहीं चलेगा, ऐसी फिल्म बनी नहीं सकती. पर अपनी खुद की आर्ट को जज करना पॉसिबल है? नहीं नहीं, मुझे मजा आना चाहिए, मुझे मजा आना चाहिए बनाने में, मुझे मजा आना चाहिए कहने में, फाइनल प्रोडक्ट देख के मुझे लगे कि हाँ आई एम हैप्पी. अभी मेरा नहीं, अब गया ऑडियंस के हाथ में. सी आई लूज माई अथॉरिटी द डे फिल्म रिलीजेज ना, ओनरशिप मेरी खत्म हो जाती है. उसके बाद ऑडियंस की पिक्चर हो जाती है, उसके बाद ऑडियंस आपको देखेगी, क्रिटिक्स देखेंगे, दुनिया बोलेगी खराब थी, बकवास थी, क्या हो गया. लेकिन I'm saying, for example, take the biggest disaster of my life, bigger than anything else, where I literally lost all my personal money also. It's almost pair with DJ Mohabbat. Matlab, for you, that's a bigger loss than Bombay Velvet. Yeah, because a lot of my personal also went into that film, trying to do that film. Okay. Because everybody thought it was foolhardy to do that. But at least I got to do my thing, na? That failure I can own. Right. I own that failure. I put out what I could under whatever restrictions, circumstances, whatever, but that's my own failure. I take total ownership of that, and that is more satisfying because I have no regrets.
And I have the, it's the same kind of love I have for that. That I'll have for something else that everybody appreciated. So it doesn't matter to me, somebody says, kya ho gaya? Kahan gaya? Hamara Anurag. Tumhara Anurag to main tha hi nahi. Main kisi ka nahi hu. Aur main sari zindagi gangster banaunga. Main sari zindagi psycho film banaunga. Main bana nahi love story, main man mar jaya. Kya idea tha, main kyun na banau? Mujhe jo man mein aayega, main wo banaunga. I'm saying, I can't let the audience decide ki mere ko kya banana chahiye. Aur wo jo hota na ki this filmmaker is back. Or ya koi mere ko bolta hai yaar, bolta sir, iska third part kab banaoge? Na kabhi nahi banaunga. This is finally is the film ko dekh ke lagta hai you're back. Aise main kahin nahi gaya, main Bombay mein hu. Main bimar tha, tu bhi film bana raha tha. But I'm saying, main wahi hu, main khush hu jahan pe hu. Mere aspirations wo hai hi nahi. सर आज के टाइम में ऑफ कोर्स एक ओटीटी एक अलग चीज बन गई है जो मतलब जैसे वो शुरू हुआ था वो चीज वो रही नहीं है ठीक है एंड ऑफ द डे बिजनेस टेक्स ओवर मनी टेक्स ओवर राइट और मुझे ना अभी मैंने देखा था आपने ना आईएमडीबी के पेज पे इंस्टाग्राम पेज पे आपने कमेंट किया था जब उन्होंने कुछ एक पोस्ट डाला था और आपने उस पर कॉमेंट किया था कि यू नो आईएमडीबी यूज्ड टू बी यू नो और उनके केस में भी हुआ यू नो अमेज़न टुक ओवर एंड आईएमडीबी चेंज सब कुछ वही था ना जिसने इंटरनेट डिस्कवर किया था उसने इंटरनेट फ्री दिया ना दुनिया को राइट हाँ अब उस आईएमडीबी भी पहले क्या था आईएमडीबी वाज आज का लेटर बॉक्स जो है वो पहले आईएमडीबी था हाँ आईएमडीबी था फिर धीरे धीरे इट बिकम्स सडनली एवरीबडी स्टार्ट सीइंग समबडी कम्स टेक्स इट टेक्स ओवर इट इट बिकम्स लाइक बिजनेस लाइक डिजनी जिन लोगों ने डिजनी क्रिएट किया था जिन लोगों ने पिक्सार क्रिएट किया था आज वो लोग हैं क्या वहाँ पे नहीं है ना सबको हटा दिया गया बिकॉज देयर हैज बीन अ कॉर्पोरेट टेक ओवर So now everything turns into big business. Yeah. And then that starts driving the content. So, ab, matlab, which is why because I constantly think, because मेरे को ऐसा लगता है कि वैसे मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे को फिर भी लगता है कि ना मेरे पास आज के टाइम में एक ऑडियंस इकट्ठी हो गई है 4 लाख लोगों के आसपास की मुझे लगता है कि मतलब there are certain things that can be done in order to make sure that जो gap इतना बड़ा बना हुआ है इस time पे mainstream और independent parallel cinema का उसको bridge किया जाए ऐसी Moviesaints type का आज के टाइम में platform आया for example वो लोग जो हैं मतलब independent films को एक दे रहे हैं आपको क्या लगता है मतलब इस तरीके के models do you think बहुत जरूरी मैं बोला मूवी ऐसे ही शुरू जब मूवी शुरू हुआ था मैं वहाँ पे था जब मूवी लॉन्च हुआ था कैन फिल्म फेस्टिवल मूवी ओरिजिनल मूवी जब कैन फिल्म फेस्टिवल में लॉन्च हुआ था मैं वहाँ पे था उसके पहले 10 सब्सक्राइबर्स में से दुनिया में से एक हूँ अरे वाह क्या बात है तो ऐसे और ऐसे कम से कम 2 प्लेटफॉर्म लॉन्च होके जो फेल हुए हैं उसका भी मैं पार्ट रहा हूँ एक तो हम लोग ने भी नाम भूल गया मैं विश्वेरी वाला नहीं नहीं नहीं, नहीं एक और था एक था मगर मैं इंस्टाग्राम पे जाओगे 6 साल पहले तो तुम्हें दिख जाएगा मेरा नाम ही याद नहीं आ रहा अभी पता नहीं जो भी है तो इट्स नॉट लाइक दैट द इंटेंशन इज गुड I have been part of a lot of things that have failed. So I have enough learnings from it to tell people what not to do. लेकिन क्या करना चाहिए ये तो मुझे खुद नहीं पता मेरा पूरी लाइफ में ये है मतलब मुझे नहीं मालूम क्या करना चाहिए मुझे इतना मालूम है क्या नहीं करना चाहिए मैं उसी पे थ्राइव करता हूँ उसी पे सर्वाइव करता हूँ So, there's a necessity to bridge that gap. There's a necessity for these films to survive. But I don't know how one can do that. Because I am not an Elon Musk or somebody who like, you know, does all those things. But my experience, I can only tell you what not to do. Because I generally, I tell my actor friends or people I look up to, जनरली मेरी तरफ से रैंडमली मैसेज करता हूँ भाई ये मत करो अब कई लोगों को बुरा भी लगता है कई लोग सुनते भी हैं बट इफ आई रियली केयर अबाउट देम माई जॉब इज टू टेल देम वॉट आई थिंक अब उसका देखें जज मी हाउवर मच दे वॉन्ट टू बट सम पीपल लिसन सम पीपल डोंट लिसन डू यू थिंक दैट अ फिल्म मेकर आल्सो नीड्स टू बी अ गुड एंटरप्रेन्योर यार मुझे नहीं मालूम देयर सम फिल्म मेकर्स हु आर गुड एंटरप्रेन्योर्स And there are some filmmakers who are not. Most filmmakers are not good entrepreneurs. मतलब वो एक skill आपको लगता है कि एक जरूरी है बहुत ज़्यादा? नहीं, I think बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो
कमिंग टुगेदर ऑफ अ जैसे एक हर फरहान अख्तर के पास एक रितेश सिद्धवानी है, हर एक करण जौहर के पास एक अपूर्वा मेहता जो है, जो समहाउ आई नेवर कुड फाइंड वन. ओके, हाउवर मच ट्राई टू, बिकॉज़ व्हाट हैपेंस इज इट नीड्स अ पर्सन टू बी अ लॉट स्टेबल एंड स्ट्रॉन्गर एंड नॉट बी स्वेड एंड पेशेंट एंड नॉट बी स्वेड बाय सक्सेस और फेलियर, बी डिटरमिंड एंड कीप डूइंग इट. वो तभी आएगा जब वो अंदर से आता है. अब बाहर से बनावटी वो कॉस्ट्यूम पहन के सुपर हीरो नहीं बन जाते हो, तो है वो जरूरी है. इट्स कमिंग टुगेदर ऑफ, सी इट्स अ वेरी स्ट्रेंज बिजनेस, लाइक एवरी अदर बिजनेस ना. फिल्म बिजनेस डजंट वर्क लाइक दैट. अदरवाइज पीपल हु हैव सक्सीडेड इन अदर बिजनेसेस वुड ऑल्सो सक्सीड देयर. नन ऑफ द बिलियनेयर्स हैव सक्सीडेड इन ट्राइंग टू बाय गेटिंग इनटू मूवी बिजनेस. दे हैव ऑल फेल्ड. Because that business logic does not apply in movie business. So when corporate takeover happens, they're only looking for profit margins. So they keep repeating the old successes. So people are only looking for profits and only looking for success. They do remakes. Right. So creators, they're looking only to create. Or the pressure to make it a success before it has actually come out is what also ruins it. The great thing about Malayalam cinema this year so far has been everybody has made a film with a lot of struggle. Manjumel boys, aadhe mein ruk gayi thi, 5 mahina ruki rahi, phir kahin se paisa aaya, phir kaise khatam hui. I'm saying unko thodi na malum, unko malum hota hai ye is level pe jayegi. Yeah, nahi malum. Unhone ek honest film banayi, phir film ki apni journey hai. और सारी ऐसी फिल्में जो 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 इवेंचुअली आगे चल के फॉर्मूला बन जाती हैं, वो ऐसी बनती हैं, वो पैशन से बनती हैं, फिर सब लोग उसको रिपीट करने की कोशिश करते हैं, वहां पे खत्म होता है. आपने भी चैलेंजेस के बारे में बात करी थी कि आपको, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, मैं दो बार देखा. मुझे भी बहुत ही बढ़िया लगी वो. कमाल, मतलब इट्स लाइक एक फिल्म मेकर, एक जूले जीवन एसिड है वो. मतलब फिल्म मेकर भी एक ऐसा लगता है ना ट्रिप पे, वो अपनी फिल्म बना रहा है. He doesn't give a shit about anybody else. कुछ नहीं मालूम था. तीन कैरेक्टर्स हैं, क्या बैकग्राउंड है, जो हम लोग जिन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा, कहाँ से आए, क्या है, माँ बाप कौन है, क्या कुछ नहीं है. It's just about three people. It sticks to three people. Yeah. And it is so fun and so stylish and so dynamic, exhilarating. Yeah. और मतलब थोड़ी आप फिल्मों के बारे में अगर बात कर सको कि कुछ फिल्म्स जो कि आपको अभी रिसेंटली बहुत अच्छी लगी आपने देखी हो. रिसेंटली मैंने, मुझे बहुत अच्छी लगी लव लाइज ब्लीडिंग. चैलेंजेस बहुत अच्छी लगी मुझे. फॉल गाय में भी बहुत मजा आया. मुझे ब्रह्म योगम अच्छी लगी. मैं तो अभी आजकल हिंदी में लापता लेडीज देखी और चमकीला मुझे बहुत अच्छी लगी. मेरे लिए चमकीला इम्तियाज अली की बेस्ट फिल्म है. मैं यही सब देखी. एक नई फिल्म मैंने देखी जो अनरिलीज्ड है, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, इट्स कॉल्ड बैड गर्ल, द यंग न्यू फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर. ऐसे मतलब आर देयर एनी मोर एनी अदर इंडिपेंडेंट फिल्म्स फ्रॉम इंडिया इन द पास्ट? जग्गी है, जग्गी अभी मूवी भी आ रही है. पोखर के दोनों पार मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए वी ब्रॉट टुगेदर अ लॉट ऑफ फिल्म मेकर्स टू हेल्प फिनिश इट. आई थिंक श्रीराम राघवन संजय राउत है, सबने मिलके मोटवानी है. Because everybody liked it so much, they said let's help this film finish and cross that line. Right. So, अभी डूडू गए, दंगे हैं. These are the independent films that I really liked. और आपको क्या? अभी मैं पायल कपाड़िया की फिल्म देखनी है, सिस्टर मिडनाइट देखनी है जो कान में गई है. तो ये सब देखनी है. पायल कपाड़िया की फिल्म बहुत अच्छी लगी मुझे पिछली वाली. शिरकोआ बहुत अच्छी लगी ईशान की. Yeah. ऐसी हैं फिल्में बहुत सारी हैं. शिरको तो आपने, you also backed that film, right? No, we all participated in that film. See, anything good, we participated in it. Back करना क्या मतलब? मैंने थोड़ी अपनी जेब से कोई पैसे लगाए उस पिक्चर में. अच्छा, ओके. या मैंने ऐसा कुछ नहीं, मैंने उस फिल्म में वॉइस दी है, मैं उस फिल्म को सपोर्ट करूंगा. मैं जो भी चाहे, जो बन पड़ता है वो करूंगा. वो सब करता हूँ. Got it. एक मतलब क्योंकि अगेन मतलब आई थिंक दैट देयर इज स्टिल अ बिग ऑडियंस इन इंडिया व्हिच स्टिल डज नॉट नो हाउ दे कैन डिस्कवर these alternatives. No, because wo audience ke liye cinema is not even catering to that audience. No, see, the day you understand that India mein jo cinema halls hain, jo chains hain, PVR hain, wo
they are first catering to themselves. They are not catering to the audience or cinema or the filmmaker. They are catering to themselves. They are listed companies in the stock market. Yeah. They need to show profit. They are catering to themselves. If they were really catering to cinema, like South mein, why cinemas thrive? Because there are a lot of single screen cinemas. And single screen cinemas, literally the taste of the owner of the cinema decides what films will work, run there. The moment is corporatized in business, na, wo to taste to khatam ho gaya. Kaun si film jyada opening lege, usko jyada shows milenge. Kaun si film dekhne ke log nahi aayenge, wo 3 din mein nikal di jayegi. Like for example, LSD 2 aayi thi. Main yahan tha nahi. जब तक इंडिया में किसी सिनेमा हॉल में बची नहीं थी, शो में नहीं बची थी और वीक खत्म नहीं हुआ था. करेक्ट, यस. वीक खत्म नहीं हुआ था और फिल्म किसी कहीं बची नहीं थी. सो आई एम सेइंग दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज. एक 12th फेल जब वर्क करती है, उसके पीछे एक विधु विनोद चोपड़ा है जो उसको उतरने नहीं देता सिनेमा में. ही पुट इन ऑल हिज माइट, यानी फिल्म उतरेगी नहीं. अगर दो शो में चले तो दो शो लगे रहेंगे, मैं उतरने नहीं दूंगा. सर, तो अगर एक कुछ लोग हैं जो कि एक्चुअली सपोर्ट करना चाहते हैं इन वाली फिल्म्स को, जग्गी जैसी फिल्म्स को या फिर पोखर के दोनों पार जैसी फिल्म्स को, चलो अब तो ये फिल्म्स रिलीज हो रही हैं तब ठीक है, पर बिफोर दैट कैन वी नॉट कम अप विद अ वे टू. वो है, आई एम सेइंग वे टू, बिकॉज़ लाइक मूवी सेंट इज अ ग्रेट आइडिया बट इट हैज टू स्प्रेड. एंड द थिंग इज लाइक ऑल द पीपल who are looking for that kind of cinema has to come together and help it spread, na. Movie 2009 या 10 में launch हुआ था, मुझे 2009 में या 10 में launch हुआ था. उड़ान के time हुआ था उसके, एक बार एक साल पहले या दो साल पहले मैं गया था कान, उस समय launch हुआ था. It has taken 10 years to grow. By the time it came to India and now it's across the world. It has taken a long time to grow. Then they started releasing physical copies. So they are all movie, physical copies of all the movies they have bought. So they don't just what they do is they're not just putting the films out and it has given them the capacity to buy a few films. So ek saal mein agar wo 8 se 10 films bhi kharidte hain worldwide ke liye, wo uski physical copies bhi nikalte hain, wo usko sustain bhi karte hain. To wo dheere dheere it has to work towards that. It has to become a self sustaining model over a period of time. Beginning mein struggle hoga. बट वो कहना कि यू हैव टू गो थ्रू दैट पीरियड ऑफ स्ट्रगल, बिकॉज एनी थिंग गुड इज बिल्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, स्पेशली वेन इट कम्स टू, नो फिल्म मेकिंग कंपनी हैज बीन बिल्ट ओवर नाइट, बिकॉज दिस बिजनेस इज सच, दिस बिजनेस इज, देयर इज अ ऑडियंस का ट्रस्ट इन द फिल्म मेकिंग प्रोडक्शन हाउस और द फिल्म मेकर और द एक्टर और समथिंग, ये ट्रस्ट पे बिल्ड होता है. You have to become a brand. आज हम लोग सडनली बात करते हैं ना A24 या नियॉन की फिल्म है. Yeah. वो कंसिस्टेंसी से बिल्ड होता है A24 और नियॉन. तो वो कंसिस्टेंसी जो है विद अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज दैट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम विल टेक अ लॉट ऑफ करेज एंड अ लॉट ऑफ पेशेंस. पता नहीं कब क्या चल जाए. उसके चलने के बाद आप सडनली पागल नहीं हो सकते. You don't, but it doesn't mean you have arrived. But I'm saying you have to be at it and that it will happen. So a lot of times when, because I have seen failures, not just in terms of, say, filmmaking, in terms of production houses, in terms of companies I have built. But the reason for failures has not been films that failed. Mostly the reason for failure has been films that succeeded. Yeah. Because when something suddenly out of the blue, because you've been doing something constantly, एक चीज successful होती है, तो success suddenly has many fathers. And then all the fathers come together and they fight each other, and they destroy it. मैं तो ऐसे time पे हमेशा back seat लेके ऐसे नमस्कार करके चला जाता हूँ. मुझे film बनाते रहना भाई, मुझे इसमें पढ़ना ही नहीं. अच्छा सर, मैं last में मतलब एक बार बस टच अपॉन करना चाहता हूँ इस चीज़ पे कि अगर आप बस बताना चाहो कि लेट्स से 10 फिल्म मेकर्स दैट यू थिंक दैट एवरीवन शुड वॉच इन देयर लाइफ टाइम, मतलब जिनकी फिल्म्स हर किसी को देखनी ही देखनी चाहिए इंटरनेशनल सिनेमा से, इंडियन सिनेमा से.
नहीं यार ये बहुत मुश्किल है. दस जो नहीं बहुत मुश्किल. अच्छा जो 10 फिल्ममेकर्स आप ऐसे बता सकते हो जिनका सबसे ज्यादा आपके ऊपर इम्पैक्ट रहा. हाँ मेरे पर तो बहुत लोगों का इम्पैक्ट रहा यार, बहुत ज्यादा. मेरे मतलब सबसे पहले फ्रिट्ज लैंग विक्टोरियो डीसी का, आंद्रे वाइदा, हिचकॉक, मार्टिन स्कॉर्सेज़, विलियम फ्रिडकिन, कोपोला, गुरुदत्त, विमल रॉय, विजय आनंद, मतलब और किसको, मनमोहन देसाई एक्चुअली आल्सो इम्पैक्ट. मतलब आई लव मनमोहन देसाई. कोई इस दुनिया में उमर अकबर एंथनी बना के दिखा दे, बना के दिखा दे कन्विक्शन के साथ, जिस कन्विक्शन से वो फिल्म बनी है. मतलब आई थिंक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम. मतलब इन द सेंस है बहुत सारे. और मेरे कंटेम्प्रेरीज में जूनियर्स जो कमाल कमाल की चीज़ें करते हैं, वासन बाला है, विक्रम मोटवानी, बहुत लोग हैं यार. और बहुत सारे नए फिल्म मेकर मैं कॉन्स्टेंटली डिस्कवर कर देता हूँ. एक बहुत ही अनडिस्कवर्ड फिल्म मेकर है, पीपल नीड टू डिस्कवर, यलमाज गुने. ये पामले और भेज चुका है कान में योल के लिए. योल मीन्स द रोड. लेकिन कोई नहीं जानता इसको. जेल में से फिल्म बनाता थे. अच्छा. अपने असिस्टेंट्स के थ्रू. ओके. ये आदमी की अलग ही फिल्म मेकर है, मैजिक है. बहुत सारे फिल्म मेकर जो लोगों ने डिस्कवरी नहीं किया. मतलब कैसे बताऊं मैं, रैंडमली उठा उठा के. मतलब जैसे और ये पैरासाइट से बोंग जूनो स्टार हो गया, लेकिन इसकी मेरी फेवरेट फिल्म अभी भी यही है, मेमोरीज ऑफ मर्डर. मेमोरीज ऑफ मर्डर नहीं होती तो मुझे लगता है जोडियक नहीं बनती. सीरियल किलर फिल्म एक ही फंडे में जा रही थी, मैन हंटर या एक दो हटा के बाकी तो सेम ही चीज थी. बहुत सारे यार. आपको लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं एक जो मेजर इंडियन फिल्म वॉचिंग ऑडियंस है वो अभी भी एक हॉलीवुड ऑब्सेशन, एक जो बिग बजट हॉलीवुड फिल्म्स हैं उनके साथ ही ऑब्सेस्ड है. एंड डू यू थिंक दैट देयर इज अ नीड फॉर पीपल टू डिस्कवर मोर फिल्म्स फ्रॉम. नो नो, बट आई थिंक पीपल हु वांट टू डिस्कवर फिल्म्स दे आर डिस्कवरिंग फिल्म्स. वो फिल्म्स डिस्कवर कर रहे हैं. प्रॉब्लम क्या है कि जो a lot of people who are dealing with their daily lives only in itself, so unko jo samne dikhta wo usi mein se choose kar sakta hai na. Agar samajh lo aapke gaon mein ek hi ration ki dukan hai, uske paas jo brand bechta hai aapko lagta hai usi mein choice aapki wahi ho jati hai na, limit ho jati hai. Aapko jo alternative hai wo to dikhaya hi nahi hamare cinema ne. Hamare itne sare log hain jo festivals mein jate hain और फिल्में खरीद लेते हैं, बट वो फिल्में खरीदते हैं क्योंकि उन फॉरेन लैंग्वेज फिल्म्स के लिए इंडिया मार्केट ही नहीं है तो सस्ते मिल जाती है. एंड दे रिकवर द मनी बाय सेलिंग स्क्रीनिंग्स टू द फेस्टिवल्स एट अ हायर प्राइस. इट्स अ स्मॉल मार्जिन प्रॉफिटेबल बिजनेस फॉर देम. दे डोंट गेट गिव अ शिट अबाउट द फिल्म. दे डोंट वांट द फिल्म टू रीच आउट टू द ऑडियंस. दे सिट ऑन दोस फिल्म्स. सो व्हाट हैव द बिगेस्ट डिसएडवांटेज बाय सिटिंग ऑन दोस फिल्म्स इज because you have bought India rights and you are not releasing it because you have already made a profit by selling it to festivals. Kerala mein film festival hai, Dharamshala mein hai, IFFI mein hai, MAMI mein hai. Wo film screening per screening bechte hai. So aapka wahan se recovery ho jata hai. You don't care about releasing the film and because you have got the India rights, so it will not be available on any platform in India. So Indian audience ko film kabhi dekhne ko milegi nahi. Ye sabse bada scam to yahi hai. सर जो 80s में जो पूरा टाइम था ये अपना, श्याम बेनेगल, गोविंद नलानी वगैरह वाला, साई परंजपी, वो सी अ लॉट ऑफ दोस फिल्म्स वाज सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड एनएफडीसी. दैट्स डजंट डू दैट एनीमोर. या एंड व्हाई डिड दैट स्टॉप हैपनिंग? आई डोंट नो, इट स्टॉप्ड लॉन्ग टाइम बैक. आई थिंक द लास्ट फिल्म दे सपोर्टेड वाज हमारा लंच बॉक्स, पार्शियली, बिकॉज़ इट वाज नॉट, इट वाज पार्शियली फंडेड एंड दैट टाइम आल्सो फिल्म्स वर मेड फॉर वेरी लो कॉस्ट. फिल्म्स लाइक जाने भी दो यारो एंड ऑल दिस फिल्म्स वर मेड फॉर 2 to 5 lakhs was the entire cost of the film. 10 lakh. Right. इतने में फिल्म बनती थी. पर फिर साथ साथ ये भी तो था कि जो एक्टर्स, मतलब स्मिता पाटिल और शबाना आजमी जैसी. नहीं तो बट उस समय एक्टर्स भी तो ऐसे ही काम करते थे ना, 5000 रुपए में, 2000 रुपए में. अच्छा. सब कुछ ऐसे होता था. See, filmmaking was never about lifestyle then. It was your life. Now it's become lifestyle. In the social media age,
it become more about lifestyle. And that is majorly harming our cinema today. Yeah, yeah, absolutely. हमारे तो मतलब आंधी में भी हमारे हीरो के बाल नहीं उड़ते, सो के उड़ते हैं तो भी एकदम फर्स्ट क्लास होते हैं। चलो सर, ऑन दैट नोट, एक्चुअली नहीं, वी मतलब मैं हमेशा एक सवाल लास्ट में पूछता हूँ, ठीक है, तो मैं वही पूछना चाहूँगा आपसे, आपसे भी आज लास्ट में, कि बहुत अलग है और ये हमने बाकी सारी सिनेमा विनेमा वगैरह में बातें करी, मतलब बट फॉर यू लाइक व्हाट डज हैप्पीनेस मीन टू यू? Happiness means to me 8 hours of sleep. 8 hours of sleep, exercise in the morning. जो कि अब मैं ये बात मुझे अगर कोई सीन बहुत पहले सिखा दी होती तो शायद मैं कभी बीमार नहीं पड़ता, लेकिन अब मैंने खुद सीखा है. 8 hours of sleep, exercise in the morning, then do whatever you want to do. Happiness just means that a very restful sleep and जब उसकी एंग्जाइटी लेके घूमना. मैं बोलो, आप ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचोगे तो आपको ट्रॉमा होगा, आप ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचोगे तो आपको एंग्जाइटी होगी, तो मैं मोमेंट में रहता हूँ. ओके सर, चलो, ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच, दिस वाज लवली कॉन्वर्सेशन एंड वेरी वेरी इंसाइटफुल, एंड होपफुली वी गेट टू सी मोर एंड मोर ऑफ योर फिल्म्स वेरी वेरी सून. आई एम मेकिंग मोर एंड मोर फिल्म्स, आई एम बैक टू माय राइटिंग टेबल, बहुत लिख रहा हूँ और बना रहा हूँ नॉनस्टॉप अभी. चलो ग्रेट सर, कांट वेट टू सी देम, एंड आल्सो बाय द वे आई एम अ बिग कैनेडी फैन, मतलब मैंने मामी में देखी थी, वो भी रिलीज हो रही है. हां, वो भी रिलीज हो गई अब थिएटर में. थिएटर्स में हो रही है ना? हां, 100% रिलीज हो रही है. वो तो मतलब पूरा थिएटर एक्सपीरियंस ही है, मतलब दैट वो थिएटर एक्सपीरियंस. या वो कम्युनिटी एक्सपीरियंस है. एब्सोल्युटली. और जो एनएमएससीसी वाला जो था ना, वो तो खुरा बात करनी चाहिए. वो तो भाई लोग नहीं भूल सकते. एनएमए सीसी बोल रहे, जो एक्सपीरियंस था ना, वो जो लोग वहाँ पे थे वो उन्हीं को पता है कि वो क्या हुआ था. कैनेडी का वालों को भी पता है कि क्या हुआ था. अच्छा, हाँ, वो भी चीज है. बट यस, ओके सर, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.